हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप भी प्राइवेट बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन कराने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। तो वीडियो आप प्लीज़ पूरा देखिए, जिससे कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। देखिए दोस्तों, वैसे तो प्राइवेट बैंक बहुत सारे हैं अपने इंडिया में, और प्राइवेट बैंक में बहुत से लोग अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। वो इस वजह से क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक की जो सर्विसेज होती हैं वो अच्छी होती हैं, अगर हम उसको कंपेयर करें पब्लिक सेक्टर बैंक से। तो एक तो ये लोग जो है अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रीट भी करते हैं, तो इसलिए भी बहुत सारे लोग जो है इसमें अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक चूज़ करते हैं अकाउंट ओपन कराने के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको एक बात ध्यान में ज़रूर रखना होगा कि वहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर आप उसको कंपेयर करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक से तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के चार्जेस हाई होते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसे बैंक, एक ऐसा अकाउंट लेकर आया हूँ जो कि एक तो अच्छा भी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आपको अच्छी सर्विसेज भी देगा और साथ ही साथ जो उसके चार्जेस होंगे वो भी बहुत लो होंगे। तो दोस्तों, ये कोई और बैंक नहीं है, अपना IDFC फर्स्ट बैंक, और मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ IDFC फर्स्ट बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बारे में, जो कि आता है वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड के साथ। और ये अकाउंट 10,000 से ओपन होता है और 10,000 रुपये इसमें आपको बैलेंस मेंटेन भी करने होंगे। तो इसी अकाउंट के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके फीचर्स, इसके बेनिफिट्स के बारे में कि इस अकाउंट में हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको इसमें फ्री में वीज़ा का डेबिट कार्ड मिलता है, जो कि वीज़ा क्लासिक का डेबिट कार्ड होता है और ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होता है, तो आप इसको इंडिया में भी और बाहर देश में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होता है ना, वो फ्री मिलता है। NEFT, RTGS और IMPS जैसे जो फ़ंड ट्रांसफ़र के ट्रांजेक्शन हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे, ऐसे ट्रांजेक्शन आप फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये बैंक जो है बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपको ऐसे ही फ्री में देता है, तो इसलिए आप अकाउंट ओपन कराएंगे तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और इस बैंक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसके चार्जेस मिनिमल यानी कि कम है। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे किसी अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक से तो बहुत कम देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट चार्जेस हैं, यानी कि कोई भी ऐसा हिडन चार्ज या कोई फालतू का चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक जाना जाता है अच्छा इंटरेस्ट रेट देने के लिए। जैसे कि अगर आप जो 1,00,000 से ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे आपको 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और 1,00,000 से कम बैलेंस होता है तो आपको 6% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वैसे ये इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो पता कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एज जो होनी चाहिए वो 18+ होनी चाहिए, 18 या 18+ होनी चाहिए, यानी 18 या 18 से ऊपर। अब देखिए, जिनकी एज कम है 18 से तो वो माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन सिटीज़न होना चाहिए है, तो इंडियन सिटीज़न इसका अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, और इंडिया में होना ज़रूरी, यानी कि इंडियन रेसिडेंट भी होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो फॉरेन नेशनल लोग हैं, मतलब जो बाहर देश के लोग हैं, यहाँ पे अपने इंडिया में रह रहे हैं, वो भी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। बस ये है कि क्राइटेरिया को वो मीट कर पाएँ, जो गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है क्राइटेरिया उसको मीट करेंगे तो वो भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो सब बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस अकाउंट में आपको 10,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करने होंगे। अगर बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको नन मेंटेनेंस के चार्जेस देने होंगे। तो जो नन मेंटेनेंस के चार्जेस है कुछ इस तरह से है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है वो 7,500 से ऊपर का है लेकिन 10,000 से नीचे है, तो उसके लिए आपको 50 रुपये का चार्ज देना होगा। अब वही बैलेंस अगर 7,000 से नीचे आ गया लेकिन 5,000 से ऊपर है तो फिर आपको 250 रुपये का चार्ज देना होगा, और बैलेंस अगर 5,000 से भी नीचे आ जाए तो आपको 500 रुपये का चार्ज देना होगा। इन सब चार्जेस में GST अलग से जोड़ा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपको फ्री में मिलते हैं। तो जैसे कि पासबुक आपको जो मिलता है वो फ्री में इशू होता है, और आप उसको फ्री में प्रिंट भी करा सकते हैं। अगर आप चेक का पेमेंट स्टॉप करना चाहते हैं तो वो भी आप फ्री में कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है, जबकि दूसरे बैंक उसका चार्ज लेते हैं। SMS अलर्ट्स जो आपको आते हैं उसका भी कोई चार्ज नहीं लगता है, वो भी आपको फ्री में दिया जाता है। SMS अलर्ट्स जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह के SMS आते हैं वो आपको फ्री में मिलते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र जैसे कि NEFT, RTGS, IMPS ये सभी फ्री हैं। कैश ट्रांजेक्शन्स भी आपको फ्री में मिलते हैं, यानी कि आप ब्रांच में पैसे जमा कर सकते हैं, ब्रांच से पैसे निकाल सकते हैं, आपको उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं उन सर्विसेज और उन ट्रांजेक्शन्स के बारे में जिनके लिए आपको चार्जेस देने होते हैं। जैसे कि आपने चेक डिपॉजिट किया वो रिटर्न होता है तो फिर उसके लिए आपको 50 रुपये का चार्ज देना है, और वहीं पे अगर आपने चेक इशू किया वो रिटर्न होता है तो उसके लिए आपको 250 रुपये का चार्ज देना है। इंटरनेशनल ATM ट्रांजेक्शन या फिर आप POS ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको उसके लिए 2% की Forex फ़ी लगती है,
तो वही आपसे जो है लिया जाएगा चार्ज, इससे ज़्यादा आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस की, तो अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए महीने में 5 बार की फ्री लिमिट मिलती है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए अनलिमिटेड फ्री है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे कि कैश विड्रॉल को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहा जाता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोला जाता है, जैसे कि अगर आप बैलेंस चेक करते हैं या फिर जो है आप मिनी स्टेटमेंट देखते हैं या फिर अपना पिन चेंज करते हैं एटीएम का, तो ये सभी जो है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। तो ये पूरी तरीके से फ्री रहेंगे, लेकिन कैश विड्रॉल यानी पैसे निकालने की जो लिमिट होगी वो महीने में 5 बार की होगी अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं तो। और बाकी अगर अदर बैंक के ATM से बात करें तो आपको जो है 5 बार की लिमिट मिलती है, जिसमें कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों आते हैं, तो 5 बार की आपको फ्री लिमिट मिलती है महीने में। और दोस्तों फ्री लिमिट ख़त्म होने के बाद, यानी कि आपने फ्री लिमिट से ज़्यादा अगर ट्रांजेक्शन किया तो आपको चार्ज जो देना होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए वो 20 रुपये, यानी पैसे निकालने पर आपको, यानी कि एटीएम से पैसे निकालने पर आपको जो है हर ट्रांजैक्शन के लिए जब आप फ्री लिमिट ख़त्म कर देते हैं तो 20 रुपये का चार्ज लगेगा। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, यानी कि अगर आप पिन चेंज करते हैं या मिनी स्टेटमेंट देखते हैं या फिर बैलेंस चेक करते हैं तो उसके लिए आपको जो है 8 रुपये का चार्ज देना होगा। GST वगैरह अलग से जोड़ा जाता है चार्जेस में, तो आपको ध्यान रखना है इसका। और दोस्तों कुछ ऐसे चार्जेस जो आपसे तब लिए जाते हैं जब आपके अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस नहीं होता है, यानी 10,000 रुपये बैलेंस आप मेंटेन नहीं करते हैं तब। जैसे कि अगर आप चेकबुक रीइशू कराते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपये का चार्ज लिया जाता है पर चेकबुक का। और इसी तरीके से DD बनवाते हैं तो उसके लिए आपको 30 रुपये का चार्ज देना होता है। और इसी तरीके से जब आप अपने डेबिट कार्ड को रिप्लेस कराते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये का चार्ज देना होता है। और इसी तरीके से आपके डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज भी लगने लग जाता है 100 रुपये का, जब आपके अकाउंट में 10,000 रुपये बैलेंस मेंटेन नहीं होते हैं तब। और अगर बैलेंस मेंटेन होते हैं तो ये सभी जो सर्विसेज आपको फ्री में मिलती हैं, चाहे आप चेकबुक रीइशू कराएं, चाहे फिर आप जो DD बनवाएं, चाहे अपने डेबिट कार्ड को रिप्लेस कराएं, चाहे आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें, उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, मतलब कि डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज वहाँ पर नहीं लगेगा। हाँ तो दोस्तों ये था IDFC फर्स्ट बैंक का सेविंग्स अकाउंट विद वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड। ये अकाउंट काफ़ी कमाल का है, एक तो इसमें आपको फ्री में डेबिट कार्ड मिल जाता है और दूसरे ये कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र है वो अनलिमिटेड फ्री मिलते हैं और जो चार्जेस इसके होते हैं वो भी बहुत मिनिमल और ट्रांसपेरेंट हैं। तो आप ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक वैसे भी आपको सर्विसेज अच्छी देता है और इसके चार्जेस वगैरह कम होते हैं, तो आप बेझिझक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को मैंने IDFC फर्स्ट बैंक के एक और सेविंग्स अकाउंट के बारे में बताया था जो कि इससे हायर वेरियंट का अकाउंट था, और उसमें आपको जो सर्विसेज वगैरह मिलती हैं वो इससे भी बेहतर मिलती हैं क्योंकि उसमें बहुत कम चार्जेस देखने को मिलते हैं। और उसमें आपको 25,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करने होते हैं, वीज़ा का सिग्नेचर डेबिट कार्ड मिलता है, अनलिमिटेड उससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो बहरहाल वो आपकी मर्ज़ी कि आप कौन सा अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, चाहे तो आप 10,000 वाला ओपन करा लीजिए तब भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी दूसरे प्राइवेट बैंक के सेविंग्स अकाउंट से तो तब भी ये फ़ायदा आपको देगा। और इसी तरीके से जो 25,000 वाला अकाउंट है उसमें भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो बस यहाँ पे दिक्कत सिर्फ एक आती है कि IDFC फर्स्ट बैंक की ब्रांचेस बहुत कम है, तो बहुत सारे लोग अकाउंट नहीं ओपन कर पाएंगे क्योंकि उनके एरिया में हो सकता है कि बैंक अपनी सर्विसेज पहुँचा ही ना पा रहा हो, तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन फिर भी जो लोग सिटी वगैरह में रह रहे हैं तो वो लोग अपना अकाउंट आसानी से ओपन करा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।